हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। तो आज के वीडियो में हम थोड़े से एग्जांपल एनएफए के ऊपर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट से। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है हमारा कि मान लीजिए आपके पास में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट एंड्स विद विद जीरो, जो कि जीरो से एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एनएफए बनाते हैं हम। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एल को लिख लेते हैं कि जो जीरो से एंड हो रहा है। तो हमारे पास में इसको फॉर्मल तरीके से लिखने की डेफिनेशन है कि डब्ल्यू बिलोंग्स टू जीरो और वन का, हमारे पास में एक पूरे स्ट्रिंग का सेट है। वहाँ पर W जो है, W इज स्ट्रिंग स्ट्रिंग विच एंड्स विद स्ट्रिंग विच एंड विद जीरो। ओके, सो देखते हैं हम कौन कौन से हो सकते हैं। जीरो, वन जीरो, वन वन जीरो, जीरो जीरो जीरो, जो भी जो कि जीरो से एंड हो, कितना भी हो सकता है, वो इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा इनकमिंग जो स्टेट है वो। ठीक है, और जैसे ही हमें जीरो मिला इस स्टेट में, तो जीरो और वन की स्टेट में या तो इनपुट में या तो इसी स्टेट में रह सकता। अगर इसको जीरो मिला तो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, और वो कौन सी स्टेट में चला जाएगा? बी वाली में। क्या वो एक्सेप्टिंग स्टेट है? यस इट इज, दिस इज एक्सेप्टिंग स्टेट। आगे करने की जरूरत नहीं है, तो देखते हैं हम इनपुट देके देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास में एग्जांपल के लिए है 0 1। क्या एक्सेप्टेड है? नो नॉट, बिकॉज इसके लास्ट में 1 है। तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे मूव करेगा। जैसे ही हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ए से, ए से हमें 0 मिल रहा है, तो ये कौन कौन सी स्टेट पे जाएगा? दो मल्टीपल स्टेट पे जाने की बात कर रहा है। 0 आने पर दो मल्टीपल स्टेट है, एक तो ये बी की तरफ जा सकता है, बी की तरफ जा सकता है, एक तो ये ए पे रहेगा और दूसरा ये बी की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब हमें जैसे ही हम मान लीजिए कि यहाँ पर 0 डाल दिया, जैसे हमने वापस से यहाँ पर 1 डाला, 1 डालने के बाद में कौन सी स्टेट पे जाएगा? ये वापस से ए पे रहेगा। ठीक है, वहीं ये अगर हम इसके थ्रू जाते 0 डालने के बाद में, कौन सी स्टेट पे जाता? क्योंकि बी के आगे तो कोई और स्टेट है ही नहीं। तो ये डेडलॉक एनएफए में के अंदर है ना, जो सॉरी डेड स्टेट के बारे में हम कोई जिक्र नहीं करते हैं। वहीं डीएफए में हमें एक्सटर्नली हमें रिप्रेजेंट करना होता है कि अगर यहाँ पर 0 आ गया या 1 आ गया, तो ये कहाँ मूव करेगा, वापस कैसे मूव करेगा। तो डीएफए में अगर इसको डीएफए में कन्वर्ट करना है, तो एक और स्टेट हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। वो कुछ इस फॉर्म में कर सकता हूँ मैं, कि मैंने सी बना दिया अगर मेरे पास में 1 आ गया तो। ठीक है, अगर 0 आया तो इसी स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं इसको डीएफए में बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ बनाने की ज़रूरत में नहीं। तो बी से कौन से में, अगर कोई स्टेट है ही नहीं, अगर 1 डालेंगे तो कोई स्टेट में नहीं जाएगा, तो उसको एम्प्टी स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, फाइव। तो देखिए 0 1, 0 1 से हम कौन सी स्टेट पे पहुँचे? ए स्टेट पे। क्या ये एक्सेप्टिंग स्टेट है? नहीं है, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। वहीं हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं ले लेता हूँ 0 1 0। ठीक है, 0 1 0 से कहाँ कहाँ जाएगा? स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग स्टेट है ए। जैसे 0 दे रहा हूँ, तो कौन सी दो स्टेट आ जा रही है? एक तो ए, एक तो दूसरी बी। ठीक है, 0 देने पर, फिर 1 देने पर ये तो चला गया 5 में, फिर 1 देने पर कौन सी स्टेट में गया? बी स्टेट में। फिर 0 देने पर कौन सी स्टेट में है? 0 देने पर कोई और स्टेट नहीं है, अगर 0 देंगे तो इट विल स्टे ऑन 5 ओनली। सो यहाँ पर देखते हैं क्या ये एक्सेप्टिंग है। यस इट इज,
इज एक्सेप्टेड, क्यों? क्योंकि ये इसकी जो लास्ट स्टेट थी वो एक एक्सेप्टिंग स्टेट थी, सो दिस इज एक्सेप्टेड। जैसे हमें ये मिला, वी हैव रीच्ड ऑन एक्सेप्टिंग स्टेट, सो बाय गेटिंग जीरो इट विल स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट ओनली। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। नाउ अब हम ये सीखते हैं कि इसको फॉर्मली लिखते कैसे हैं। ये तो हो गया इनफॉर्मल, कोई चीज़ एक्सेप्टेड है या नहीं है, उसको फॉर्मली डेफिनेशन इसको कैसे देंगे। तो इसकी फॉर्मली डेफिनेशन है, इफ देयर इज एनी वे टू रन द मशीन दैट एंड इन एनी सेट ऑफ स्टेट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन स्टेट, कम से कम एक जो स्टेट है, इज अ फाइनाइट स्टेट, वो फाइनाइट स्टेट होनी चाहिए। देन एनएफए एक्सेप्ट, वो जो पर्टिकुलर एनएफए है वो एक्सेप्ट, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, सपोज यहाँ पर सिर्फ इतना ही डालता हूँ, या फिर इसको डालता हूँ कुछ इस तरीके से 0 0। सो बाय गेटिंग 0 0 0 इट इट गोज दिस साइड। ओके, सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये 0 से एंड होनी चाहिए, तो वी नो व्हेन वी विल गेट 0 विल रीच हियर। ओके गाइस, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है मेरे से, कि ये 0 आने पर इस स्टेट में मूव करेगा, 1 आने पर ये ए में ही रहेगा, तो ये थोड़ी सी गलती मेरे से हुई है, तो सॉरी। अगर मैं उसी एग्जांपल को फिर से लेके चलूँ, 0 1 0, तो ए अगर मैं यहाँ पर 0 दूंगा तो ये दो स्टेट मेरे को देगा, एक तो ए दूसरा बी। ठीक है, अगर मैं 1 दूंगा, अगर ए से 1 मिलेगा तो ये वापस से ए में ही स्टे करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 मिलेगा इसको तो ये इस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग जस्ट एन एक्सेप्टिंग स्टेट। वहीं यहाँ पर इसको 1 या 0 कुछ भी दें, ये कहाँ है, फाइव स्टेट में है, तो वो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया था, प्लीज डू कंसिडर इट गाइज। ओके, सो एट लास्ट वी हैव एक्सेप्टिंग स्टेट। तो आप देख सकते हो कि लास्ट में इन दोनों में से कोई एक एक्सेप्टिंग स्टेट है, दोनों में से ही, तो दिस इज नथिंग, जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है आपकी इज एक्सेप्टेड बाय एनएफए, आपकी एनएफए के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, सो दिस इज इनफ। अब हम एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, हमारे पास में मान लीजिए कि एल एक लैंग्वेज है, उसकी डेफिनेशन है कि डब्ल्यू स्ट्रिंग, जो डब्ल्यू स्ट्रिंग है वो बिलोंग कर रही है इन इस सेट से। ठीक है, जहाँ पर डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग स्ट्रिंग डब्ल्यू इज अ स्ट्रिंग विच स्टार्ट्स विद 0, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इसका सेट बनाएंगे कैसा होगा, 0 0 1 0 1 1। ठीक है, 0 0 0, आगे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टार्टिंग 0 है तो आगे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में एक स्टेट होगी ए इनकमिंग। अगर जैसे ही हमें ज़ीरो मिला, जैसे ही हमें ज़ीरो मिला, हम हमारी फाइनल स्टेट में पहुंच गए। ये हमारी फाइनल स्टेट है। अगर यहाँ पर फाइनल स्टेट पे पहुँचने के बाद में अगर हमें वापस से ज़ीरो या वन मिला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहीं पर रहेगा। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर ए स्टेट पे अगर वन आया तो क्या, तो उसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं डीएफए में उसको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम इसका डीएफए कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरीके से डीएफए में कन्वर्ट हो जाएगा कि अगर ये हो गया, अगर आपको मिला वन, स्टार्टिंग वन मिला, तो वो इसमें चला जाएगा, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये डीएफए हो गया, लेकिन एनएफए में उसको रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यही एक खूबसूरती है एनएफए की कि इसके अंदर आपको डेड जो स्टेट है उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया अगर 001, क्या ये एक्सेप्टेड है? देखते हैं, स्टार्टिंग हमारा ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ज़ीरो मिला, ज़ीरो मिलने पर कौन सी कंडीशन में जा रहा है? बी में जा रहा है, ठीक है, फिर से ज़ीरो मिला, फिर से ज़ीरो मिला तो वापस से बी के अंदर ही है, ठीक है, फिर वन मिला, वन मिलने पर भी वो बी के अंदर ही है। क्या बी अपना एक्सेप्टिंग स्टेट है? यस, बी इज द एक्सेप्टिंग स्टेट, सो दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय दिस एनएफए। ठीक है, तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। देन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूँ कि सपोज ए, जैसे आपने वन डाला तो कोई स्टेट नहीं चेंज कर रहा, तो कोई स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो है फाइव स्टेट पे। इसको हम कहते हैं डेड कॉन्फिगर कॉन्फिगुरेशन। सो जिसके अंदर इन विच आफ्टर गेटिंग सर्टेन इनपुट वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, इन विच आफ्टर गेटिंग सर्टेन इनपुट वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर। ओके, सो यहाँ पर हमें सर्टेन इनपुट मिलने के बाद में भी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम उसी जगह पर हैं। बेसिकली हमें उसमें डीएफए में तो इस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर इसी को हमें मेरे को डीएफए में कन्वर्ट करना होता तो मैंने जो आपको करके दिखाया है कि यहाँ पर कुछ नहीं, आप सी लगा दो और इसको ज़ीरो और वन, यहाँ पर वन, ठीक है, दैट्स इट, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू डीएफए, बट फॉर एनएफए इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, वी हैव अनदर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एनएफए दैट एक्सेप्ट्स सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर जीरो एंड वन ऑफ लेंथ टू। सो क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, कंस्ट्रक्ट एनएफए दैट एक्सेप्ट्स सेट्स ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर जीरो एंड वन, ओके, ऑफ लेंथ टू। ओके, सो सबसे पहले इनपुट क्या क्या है ये देखते हैं। इनपुट क्या है हमारे पास में? जीरो एंड वन। ओके, सो लैंग्वेज क्या बनेगी हमारी? लैंग्वेज बन रही है जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनपुट लेंथ क्या होनी चाहिए उसकी? सिर्फ जीरो टू होनी चाहिए लेंथ, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? इनिशियल है आपका ए, जैसे ही हमें जीरो या वन मिला हम स्टेट चेंज कर लेंगे और हम चले जाएंगे बी के अंदर। अगर यहाँ पर भी हमें कोई भी जीरो या वन मिले, हम कौन सी स्टेट में आ जाएंगे? सी में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आगे हमें कुछ और मिलता है तो हम अपनी स्टेट चेंज नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो उसको जो नॉट एक्सेप्टेड है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, एनएफए में उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं, इन केस ऑफ डीएफए वी हैव टू मेंशन वन मोर स्टेट विच इज़ कॉल्ड ट्रैप स्टेट और डेड स्टेट, बट हेयर इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, सो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि एक तो ले लेते हैं जो एक्सेप्ट करेगा, तो जीरो जीरो एक्सेप्ट करेगा। देखते हैं, ए स्टार्टिंग स्टेट है, जीरो आया,
जीरो आने पर वो बी में चला गया, फिर से जीरो आया तो वो सी में चला गया। क्या सी एक्सेप्टिंग स्टेट है? यस दिस इज एक्सेप्टेड। फिर मैं एक और लेता हूँ एग्जाम्पल, 001, ठीक है। सो स्टार्ट किया हमने जीरो से, ओके जीरो से स्टार्ट किया, बी आया, बी के अंदर पहुँचे, फिर से आया जीरो, तो हम फिर से सी के अंदर चले गए। लेकिन सी के अंदर जाते हमें मिल रहा है वन, लेकिन यहाँ पर तो हमने ये चीज़ पता ही नहीं कि सी के ऊपर अगर वन जीरो आया तो कौन सी स्टेट में जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो प्री अंडरस्टूड है कि ये फाइव स्टेट में जाएगा। अगर ऐसा है तो दिस इज डेड डेड स्टेट, डेड स्टेट भी बोलते हैं, डेड कॉन्फिगर। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस स्ट्रिंग इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड बाई दिस NFA। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।